कलकत्ता। हजारों लाखों के बीच में पलने वाला ये शहर अपने अंदर ना जाने कितने राज छुपा के रखता है, लेकिन वो राज कभी बाहर नहीं आता, जमीन के अंदर ही दब जाता है। वैसे आज की कहानी यूं ही कभी शुरू हुई थी, लेकिन खत्म कैसे हुआ चलिए देखते हैं। वैसे आज की कहानी शुरू होता है एक प्यार की कहानी से, आदि और आयशा की प्यार की कहानी। वैसे बोलना चाहिए आरएस इंडस्ट्री का एक पार्टनर था आदि, और आयशा एक छोटे मोटे कंपनी में काम करते थे। एक दिन मुलाकात के बीच में ही आयशा की तबीयत बहुत खराब हो गया और आदि ने उसको लेकर अपने घर पे गया। फिर क्या हुआ चलिए देखते हैं। तुम थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लो, अगर तबीयत ठीक हो जाए तो मुझे बोलना, ठीक है? आदि, सर में बहुत दर्द हो रही है, पेन किलर होगा तुम्हारे पास? हाँ हाँ है मेरे पास, तुम रुको जरा मैं लेके आता हूँ। माफिक पता चला है कि जाने माने बिजनेसमैन आदित्य सक्सेना का बुरी तरीके से मर्डर किया गया है। मर्डर की वजह क्या है, कौन है मर्डरर, वो अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस के हाथों ना ही कोई मर्डर वेपन मिला है, ना ही कोई पक्का सबूत। अब ये केस किस मुकाम पर जाता है वो देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। Thank you.
नहीं अभी तो कुछ नहीं है। हाँ हेलो, हाँ 5 मिनट को मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया? क्यों? उम्मीद नहीं थी ना, इस चीज की उम्मीद नहीं थी ना। भूल गए वो सब जो तुमने मेरे साथ किया, भूल गए तो वो सब कुछ। हाँ, और ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने ये क्यों किया, और अगर मैं आज तुमसे ये पूछूं कि जो तुमने मेरे साथ किया वो तुमने क्यों किया, उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? सुनो, ये दोनों ही प्लान मेरा ही था। आदि को और अरमान को मारना दोनों ही प्लान मेरी, और ज़्यादातर बात तुम चौंक रहे हो ना कि ये कहाँ से आई। एक्चुअली तुमने इसके साथ जो किया था, जो धोखा किया था, इसलिए इसके हाथों से ही मर गया। और हैव अ नाइस जर्नी। आप तो जानते ही है कंपनी का बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। पिछली बार प्रॉफिट ठीक ही था, लेकिन अब इस बार उससे 2-3 गुना ज़्यादा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, रखिए। अरे अरे बैठो बैठो बैठो। तो सर बोलिए, आज हमको किस लिए बुलाया? कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया है, डायरेक्ट 20 करोड़ से 60 करोड़। सीरियसली रन सर, तो आज तो खुशी का मौका है, इसीलिए तो ये सब अरेंज किया है ना। तो उठाओ एक ग्लास। अरे पियो। अरे सर, आपके सामने कैसे पी सकते हैं, आप तो हमारा बॉस है ना। आप पहले शुरू कीजिए, फिर हम लोग तो करते ही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हम तो पी रहे हैं ना, तुम भी पियो। तुम जो बात कर रहे हो वो बात अलग है, वो ऑफिस है, और ये बात अलग है। अरे सर, इसमें तो जहर मिला हुआ था, मैंने मिलाया था, और आपने एकिंग करके पी भी लिया। अब तो आपके मारने के बाद ये जो पूरा कंपनी है वो तो हमारे नाम हो जाएगा। सर बहुत अच्छे। ऐसा क्यों किया?
अच्छा हमारी वजह से आपके एक अच्छे आदत छुप जाएगी, जिंदा बचने की। खुद पर बस ऐसा किसी ने सोचा ना था कि अनजान होगा एक बात का बादशाह, आज गुलाम होगा। होगा हो गया है। मैं इस कंपनी का एम्प्लॉयर, रणबीर सर ने मुझको काम पर रखा था जब मेरा कुछ नहीं था, और अनमार और आदरी मिलकर रणबीर सर को मारा था। दोनों को मारने का प्रण पहले से मेरा था, लेकिन अब लोग बीच में आए। तो हमारी और तुम्हारी दुश्मन एक ही है, चलो अच्छी बात। चलिए आप लोग हमें छोड़ देते, चलिए। हेलो भाई, हेलो 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 भाई, अरमान को मार दिया भाई, अरमान को मार दिया। हाँ भाई, यहाँ पर लाश पड़ी है भाई, अरमान को मार दिया भाई। कोई Audio Jungle.